राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन था और पहले ही दिन जो सबसे खूबसूरत तस्वीर नजर आई वो थी सचिन पायलट और वसुंधरा राजे की मुलाकात की। पहली बार देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा में अपना संबोधन दिया। महामहिम के जाने के बाद क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, सारे नेता एक दूसरे से मिलते दिखे, एक दूसरे का हाल चाल लेते दिखे, लेकिन सबकी निगाहें बस इसी तस्वीर पर टिकी थी। वसुंधरा राजे के साथ सचिन पायलट की गुफ्तगू चल रही थी। दोनों नेता ऐसे मिल रहे थे मानो ये दोस्ती कितनी पुरानी हो। ये तस्वीरें देखकर आपको थोड़ी हैरानी भी हुई होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले तक जो सचिन पायलट वसुंधरा राजे का नाम लेकर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, वही सचिन पायलट अब वसुंधरा के साथ ऐसी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर हैरानी होना स्वाभाविक है। इन 5 सालों में हमने वसुंधरा जी की सरकार, जो भाजपा की सरकार थी, उसका विरोध किया, कड़ा विरोध किया, नीतियों के आधार पर, शासन के आधार पर, प्रोग्राम के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर। 5 साल तक वसुंधरा जी के शासन में जो खुली लूट मची थी, जो बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, भू माफिया, खान माफिया पनपा था, उसके खिलाफ हम सब ने आरोप लगाए। वैसे कहते हैं कि सियासत में कोई किसी का स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता। पिछले साल फरवरी के महीने में भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी जिसमें विधानसभा में अशोक गहलोत के साथ वसुंधरा राजे कुछ इसी अंदाज में मिलते दिखे थे। ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं और अब एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर सचिन पायलट और वसुंधरा की सामने आई है। इन तस्वीरों को देखकर अब लोग यही कह रहे हैं कि वाकई सियासत में सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।